सो बेसिकली इस प्रोग्राम में हमें करना क्या है, हमें ना पॉपुलेशन दे रखी है टाउन की 1 लाख, और आगे बोला है द पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज स्टेडिली एट द रेट ऑफ 10% पर ईयर फॉर लास्ट 10 ईयर्स, मतलब कि पिछले 10 सालों में 10-10% हर साल इंक्रीज हो रही है हमारी पॉपुलेशन, और करंट पॉपुलेशन जो आज की है वो हमारे पास 1 लाख है। तो अगर हमें पिछले साल की निकालनी है तो हम क्या करेंगे, 10% माइनस कर देंगे करंट पॉपुलेशन से। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास 1 लाख दे रखी है करंट पॉपुलेशन 1 लाख है, उसमें से माइनस कर देंगे करंट पॉपुलेशन का 10%। तो 1 लाख का अगर 10% निकाल लें तो ये हो जाएगा 1 लाख मल्टीप्लाई विद 10/100, ठीक है। तो ये वाली जीरो से ये वाली जीरो हट जाएगी और ये वाली जीरो से ये वाली, तो ये कितना हुआ, 10,000 हुआ। तो अगर 1 लाख में से 10,000 माइनस करें तो कितना आ जाएगा, 90,000। तो ये हमारे पास आ गई प्रीवियस ईयर की पॉपुलेशन। तो अगर हमें दोबारा उससे प्रीवियस ईयर की निकालनी है तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 90,000 मल्टीप्लाई विद 10 बाय 100। तो ये क्या हो जाएगा, ये जीरो से ये वाली जीरो चली जाएगी और ये वाली जीरो से ये वाली जीरो चली जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा, 9,000। तो 90,000 में से अगर हम 9,000 माइनस करें तो ये आ जाएगा 81,000। तो फर्स्ट ईयर हमारे पास कितनी आई थी, 90,000 आई थी, सेकंड ईयर कितनी आई, 81,000 आई। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, इसमें से दोबारा माइनस करेंगे 10%, तो हमारे पास फिर से हमारे पास उससे प्रीवियस ईयर की आ जाएगी। तो अब इसके लिए एक प्रोग्राम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक हेडर फाइल लगाएंगे हैश इंक्लूड stdio.h, देन मेन फंक्शन, फिर हमें करंट पॉपुलेशन चाहिए तो हमने एक इंटीजर लिया और यहाँ लिख दिया करंट पॉपुलेशन जो कि कितनी है, 1 लाख है। अब हमें कितने ईयर्स के लिए चाहिए, 10 ईयर्स के लिए। तो हम क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे i1 से while i < 10 तक, मतलब ये 10 बार लूप चलेगा। फिर हमें क्या करना है, करंट पॉपुलेशन कैलकुलेट करनी है। तो करंट पॉपुलेशन इज इक्वल्स टू करंट पॉपुलेशन माइनस करंट पॉपुलेशन का 10%, तो मल्टीप्लाई विद 10/100 हो जाएगा, 10/100। फिर हमें प्रिंट करना है, तो प्रिंट करेंगे परसेंटाइल डी ईयर, और यहाँ पे फिर से परसेंटाइल डी आएगा। तो फर्स्ट वाले में क्या आएगा परसेंटाइल डी में, आई मतलब फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, और सेकंड वाले में जो भी करंट पॉपुलेशन होती रहेगी हमारे पास, तो करंट पॉपुलेशन, और यहाँ पे क्या करेंगे आई प्लस प्लस कर देंगे और यहाँ पे लगा देते हैं एक स्लैश एन, ठीक है। तो अब ये रन कैसे होगा, सबसे पहले क्या होगा, आई की वैल्यू 1 होगी, तो उसके लिए ये करंट पॉपुलेशन कैलकुलेट होगी, और यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट ईयर के लिए करंट पॉपुलेशन कितनी है, फिर क्या होगा आई प्लस प्लस होगा, फिर आई की वैल्यू यहाँ 2 हो जाएगी, फिर से करंट पॉपुलेशन कैलकुलेट होगी, और यहाँ आ जाएगा सेकंड ईयर के लिए कितनी करंट पॉपुलेशन है। तो अब इसको रन कर लेते हैं, तो देखो फर्स्ट ईयर के लिए कितनी आई, 90,000, यहाँ पे कितनी आई थी, देखो 90,000 आई थी, सेकंड ईयर के लिए आई 81,000, यहाँ पे देखो 81,000 आई थी, फिर हमने क्या करा, 81,000 का 10% निकाला, फिर कितना आ गया, 72,900। तो ऐसी क्या होगा, ये ऐसी चलता रहेगा और 10 ईयर्स की निकल जाएगी हमारे पास पॉपुलेशन।